आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। गांव जाने के बाद मेरे पास बस तीन काम ही होते हैं, खाना, सोना और हर रात रमेश काका की कहानियां सुनना। रमेश काका हमें हर रात गांव में घटी सच्ची घटनाएं सुनाया करते थे। रमेश काका का घर हमारे घर से थोड़ी दूरी पर था, तो वहां हम रात के 8 बजे तक पहुंच जाया करते थे। रमेश काका अपने घर पर अकेले रहते थे, उनका इस दुनिया में कोई भी नहीं था, इसलिए उनको भी सभी के साथ मिलजुल कर रहने में काफ़ी अच्छा लगता था। ऐसी ही उस रात मैं चलकर रमेश काका के घर गया तो रमेश काका आग जलाकर ताप रहे थे। मुझे देखते ही काका ने कहा, अरे बिंटू कब आए तुम? इस पर मैंने काका से कहा, वो काका आज ही सुबह आया हूँ, अभी 2-3 दिन रहूँगा। इस पर काका ने मुझे बैठने को कहा। मेरे बैठते ही वहाँ गांव के और 2-3 लड़के आ गए जो रोज इसी वक्त काका से कहानी सुनने आया करते थे। ठंड काफ़ी होने के कारण आग के पास बैठने में हमें काफ़ी अच्छा लग रहा था कि तभी मैंने काका से कहा, काका आज कुछ कहानी बताइए। जिस पर काका ने बताना शुरू किया, आज से 3-4 साल पहले जब मैं गांव के बाहर जमींदार साहब के बगान में रात को पहरेदारी का काम किया करता था, तो उस वक्त गांव में आए दिन भूत प्रेत डायन और काला जादू की घटनाएं सुनने को मिलती रहती थीं। मगर मैं उस समय इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन उस समय गांव वालों का मानना था कि रात होते ही हर रोज गांव में अजीब अजीब सी घटनाएं शुरू हो जाया करती हैं। धीरे धीरे गांव के काफ़ी सारे लोग एकाएक रहस्यमय तरीके से मरने लगे, मगर मरने वाले लोगों की लाश काफ़ी दिनों के बाद मिलती थी। खैर मेरी ड्यूटी रोजाना रात के 9 बजे से सुबह के 7 बजे तक की थी, जिस कारण मुझे रात के 8 बजे ही घर से निकलना पड़ता था। ऐसी ही एक रात 8 बजे मैं बगान जाने के लिए अपने घर से निकला, तो बाहर निकलते ही ठंडी ठंडी हवाओं ने मुझे ऊपर से लेकर नीचे तक हिलाकर रख दिया। मैंने जब अपनी निगाहें इधर उधर घुमाई तो रोजाना की तरह सारा गांव मुझे वीरान सा लग रहा था, क्योंकि उस समय जब मैं रात के 8 बजे ड्यूटी जाया करता था तो गांव के सभी लोग डर के मारे अपने घरों में दुबक कर बैठे रहते थे। खैर मैं और अपना समय जाया ना करके साइकिल को आगे बढ़ाने लगा और बगान जाने वाले रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। उस समय हमारे गांव में बिजली तो थी, मगर रास्तों पर लाइट की कोई व्यवस्था नहीं थी, जिस कारण मैं हर रोज टॉर्च का ही सहारा लिया करता था। तो मेरे टॉर्च जलाते ही मेरे टॉर्च की रोशनी को रास्ते पर फैले कोहरे ने चारों तरफ से घेर लिया। कोहरा इतना छाया हुआ था कि मेरी टॉर्च की रोशनी मुझे जितना भी दिख रहा था सब कुछ धुंधला धुंधला सा दिख रहा था। कुछ देर साइकिल चलाने के बाद मैं गांव के बाहर वाले रास्ते पर पहुंचा, जहाँ चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा फैला हुआ था, वो भी इतना घना अंधेरा कि मेरी टॉर्च की रोशनी भी कम पड़ रही थी। खैर किसी तरह मैं साइकिल चलाकर बगान पहुँचा तो वहाँ सामू मेरा ही इंतज़ार कर रहा था। सामू जो दिन के वक्त इस बगान में पहरेदारी करता है और उसकी ड्यूटी सुबह 7 बजे से रात के 9 बजे तक की होती है, तो मुझे देखते ही सामू ने कहा, अरे राजेश आ गए तुम। जिस पर मैंने अपना सिर हाँ में हिलाया तो मेरे आते ही सामू अपना साइकिल उठाया और अपने घर की तरफ चलता बना। अब उस पूरे बगान में मैं अकेला ही था, तो मैं सामू के जलाए गए आग के पास बैठकर बगान में इधर उधर अपनी नजरें दौड़ाने लगा। पूरा बगान अंधेरे और घने कोहरे में डूबा हुआ था।
चारों तरफ बस सन्नाटा ही सन्नाटा था। बस बीच बीच में मुझे रात कीड़ों की आवाजें सुनाई पड़ रही थी। कुछ घंटे तो सब ठीक था, जिसके बाद बगान में मुझसे कुछ ही दूरी पर मुझे कुछ हलचल महसूस हुई। एक दो बार तो मैंने उस हलचल को नज़रअंदाज किया, मगर जब फिर भी वो हलचल नहीं रुकी तो मैं टॉर्च लेकर अपनी जगह से उठा और उस हलचल की तरफ आगे बढ़ने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी रात गए बगान में कौन होगा। खैर, मैं डरता तो था नहीं, तो मैं चलकर उस जगह पर पहुंचा। तो वहां पहुंचते ही मैंने देखा कि दो भैंसे आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन इतनी रात गए ये दोनों भैंसे बगान में आए तो आए कैसे, और तो और ये भैंसे किसके हैं। मगर जिसके भी हों, मुझे तो इन्हें बगान से भगाना ही होगा। ये सोचकर मैं उन भैंसों को भगाने लगा, लेकिन मेरे लाख कोशिशों के बावजूद भी वो दोनों भैंसे वहां से नहीं भागे। तो मैंने अपने कोशिश में थोड़ा और जोर दिया, तो मेरे जोर देते ही उन दोनों भैंसों का चेहरा एकदम से बदलने लगा, और देखते ही देखते उन दोनों भैंसों की शक्ल राक्षस में तब्दील हो गई। ये दृश्य देखकर मेरे पैरों तले की जमीन निकल गई और मेरा सर घूमने लगा, और मैं समझ गया कि जरूर दाल में कुछ काला है और ये भैंस नहीं बल्कि राक्षस हैं। अभी मैं उन्हें देखकर कांप ही रहा था कि तभी उन दोनों राक्षसों ने अपना पूरा रूप ले लिया। उनका चेहरा पूरी तरह सफेद था और उनकी आंखें बाहर लटक रही थीं। इतना सब देखने के बाद मेरी और हिम्मत नहीं हुई कि मैं वहां रुक सकूं, जिस वजह से मैं जैसे तैसे वहां से भागने की कोशिश करने लगा। मगर जैसे ही मैंने वहां से भागने की कोशिश की कि तभी एक राक्षस मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और उसने एकदम से मेरा गला पकड़ लिया। मैं उसके हाथ से अपने गले को छुड़ाने की काफ़ी कोशिश कर रहा था, लेकिन उस राक्षस ने मेरा गला इतनी जोर से पकड़ा था कि मैं अपने सिर को हिला तक नहीं पा रहा था। देखते ही देखते मेरी आंखों के सामने सब कुछ काला पड़ने लगा, तो मैं समझ गया कि अब मैं नहीं बचूंगा और ये राक्षस मुझे मारकर खा जाएंगे। कि तभी मैंने अपने हाथ में बंधी ताबीज को उस राक्षस पर सटाया, तो मेरे ताबीज सटाते ही उस राक्षस ने मेरा गला एकदम से छोड़ दिया, और इसी का फायदा उठाकर मैंने वहां से दौड़ लगा दी और अपने पैरों को जमींदार साहब के घर पर ही रोका। तो इस तरह से उस रात मेरी जान बच गई। रमेश काका की बात खत्म होते ही मैंने जब अपनी निगाहें घड़ी की तरफ घुमाई तो वक्त हो रहा था रात के 10 बजे का। काफ़ी रात हो जाने के कारण मैं रमेश काका को आता हूँ बोलकर घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। तो पूरा रास्ता सुनसान और सन्नाटे में डूबा हुआ था। रास्ते पर चलते हुए मेरे दिमाग में बस बार बार रमेश काका के बताए गए बातें ही दौड़ रही थी कि तभी मुझे हल्का होने की ज़रूरत महसूस हुई। तो मैं रास्ते के किनारे झाड़ियों की तरफ हल्का होने चला गया। अभी मैं हल्का हो ही रहा था कि तभी अचानक मेरे बगल के पेड़ की डाली टूटने लगी। तो इस पर जब मैंने अपनी निगाहें उस पेड़ के ऊपर घुमाई तो इतने में ही मेरा पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो गया और डर से मेरे दोनों पैर कंपकंपाने लगे। दरअसल उस पेड़ पर एक भयानक सा दिखने वाला आदमी बैठा हुआ था, जिसके इतने लंबे पैर थे कि वो ज़मीन को स्पर्श कर रहे थे। ये देखकर मैं समझ गया कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि भूत है, जिस कारण मैं वहाँ ना रुककर भागता हुआ घर चलाया। मगर घर आकर काफ़ी दिनों तक मेरी तबीयत खराब रही। बाद में काफ़ी झाड़ फूँक करवाने के बाद मैं ठीक हुआ। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।
तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।